कारवां टीवी हर पल आपके साथ। यूपी के जिला बरेली नवाबगंज क्षेत्र के गांव में 6 वर्ष की मासूम के रिश्ते के चाचा ने दुष्कर्म किया। रक्तस्राव होने के कारण मासूम की हालत बिगड़ गई। पुलिस ने मासूम को चिकित्सकीय परीक्षण और उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। इधर पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना बुधवार की है। आरोप है कि 6 वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच गांव का एक 15 वर्षीय युवक उसे पहला फंस लाकर अपने साथ खेत पर ले गया, जहां युवक ने गन्ने के खेत में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। रोते हुए मासूम घर पहुंची तो उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिस पर पीड़िता के परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। घटना की जानकारी थाना प्रभारी धनंजय सिंह को दी। इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने घटना की जांच पड़ताल के बाद आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़ित मासूम को उपचार और चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। हालांकि अभी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आप जो थाने आए हो, क्या मामला है पूरा? मेरी लड़की सर 6 साल की है और मेरी लड़की को जितेंद्र गंगवार, उसका पिता का नाम श्री महेंद्रपाल, वो बहला फुसला के ले गया था पढ़ाने के बहाने। ले जाने के बाद वो गन्ने के खेत में ले गया। उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वो घर लेके आया लड़की को घर लेके आया। फिर उसकी मम्मी ने पूछने से पहले ही लड़की रोने लगी। लड़की ने बताया ब्लड में सनी हुई थी, सब कुछ उसने बताया। वो बताने के बाद में अपनी साइकिल खड़ी करने के बाद में वो हाथ पर जोड़ने लगा, बोला मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा है वैसा है। वो फिलहाल अब मैं थाने आया हूँ, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब की घटना है ये? आज दोपहर 2 बजे की। तहरीर दी है आपने? जी, तहरीर दे चुके हैं जी। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई सुन रहा है कुछ भी। मेडिकल हो गया? मेडिकल अभी नहीं हुआ। लड़की को नहीं भेजा गया है? नहीं, लड़की को नहीं भेजा गया। यहाँ ये लोग 4 घंटे से मतलब हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपकी इस टाइम बच्ची कहाँ है? इसमें थाने में है अंदर। किसके साथ है? उसकी दादी है और आप भी बैठे हुए हैं उनके साथ में। क्या चाहते हैं आप? मैं सर चाहता हूँ बस।